दीपक क्या अभी भी पैदल जाता है? जयराम ठाकुर ने कहा, दिल को छू गया आपका ये सवाल। दरअसल प्रधानमंत्री का ये बयान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भावुक कर गया। आज रिज मैदान पर भव्य समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जो कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर रिज मैदान पर मनाया गया। समय सीमित रहने के चलते बेशक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी बातों को तेजी से रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिताए अनाडेल से लेकर रिज मैदान तक का सफर कहीं न कहीं जयराम ठाकुर के दिल को छू गया। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना भाषण इस मुलाकात के साथ शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा, रिज मैदान में जितने लोग आ सकते थे उससे अधिक लोग जोश के साथ यहां पर खड़े हैं, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी संख्या हिमाचल के लोगों की है जो रिज मैदान तक नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि मॉल रोड की तरफ चलते चलते खड़े लोगों से मिल लेते हैं और प्रधानमंत्री ने उनकी बात को मान लिया। प्रधानमंत्री ने पैदल चलकर लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला से प्रधानमंत्री की बहुत सारी यादें, बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनके साथ उनका सीधा संवाद रहा है। ऐसे में मॉल रोड का ये छोटा सा सफर कई पुरानी यादें भी आपको ताजा करवा गया होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के विकास की भी बात की और केंद्र सरकार का जो योगदान हिमाचल के विकास को हो रहा है उस पर भी चर्चा की। उन्होंने चंद लफ्जों में कहा कि हिमाचल प्रदेश में एम्स के साथ साथ 3 और मेडिकल कॉलेज केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिए। अटल टनल जो आज पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखती है, केंद्र सरकार की देन है। और इसके साथ उन्होंने कहा, इन्वेस्टर मीट में जो बीजेपी के मौजूदा सरकार के समय में शुरुआत हुई थी उसमें 50,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट वे अब तक हिमाचल प्रदेश में करवा चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 दिसंबर का मंडी दौरा भी याद किया। उन्होंने कहा कि उस दौर में किस तरह से प्रधानमंत्री ने हमारा हौसला बढ़ाया था, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावी बात भी रखी और कहा कि 5 प्रदेशों के चुनाव संपन्न हुए और ऐसे में एक बार फिर कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार ही बनेगी।